एलसीएम, एलसीएम मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुतम समापवर्तीय। लघुतम समापवर्ती को हम शॉर्टकट में कहेंगे लसा। दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है या दी गई संख्याओं से वह पूरी तरह विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या को दी गई संख्याओं का लसा या लघुतम समापवर्तीय कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब हम इसको एग्जांपल के मार्फत इस परिभाषा को सेटिस्फाइड करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ये जो हमारी परिभाषा है ये सत्य है या नहीं, कितनी सत्य है, इसका हम सत्यापन फॉर एग्जाम्पल के द्वारा करेंगे। 2, 6, 8 ये आपके पास तीन संख्याएं हैं। अब इन तीन संख्याओं का मुझे एलसीएम या लघुतम समापवर्तीय ज्ञात करना है, मुझे इनका लसा ज्ञात करना है ना। अब जो भी लसा आएगा लघुतम समापवर्तीय इनका जो भी प्राप्त होगा उसमें 2 का पूरा भाग जाना चाहिए, 6 का पूरा भाग जाना चाहिए, 8 का भी पूरा भाग जाना चाहिए, क्योंकि परिभाषा यही कहती है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होता है या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है ना। तो 2, 6 और 8 हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तीय 6, 2 चौक 8, फिर हम 2 से देंगे, 2 के पाड़े में 1 नहीं आते, 3 भी नहीं आते, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे, 2 के पाड़े में 1 नहीं आते, 3 आते हैं, 2 एकम 2, अब हम 3 से देंगे, 3 एकम 3, 1 एकम 3। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे पास इन संख्याओं का लसा क्या प्राप्त हुआ, 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि लसा हमारा आया है, दी गई संख्याओं का लसा हमारा 3 × 6, 6 × 12, 12 × 24। ये 24 हमारा क्या है, ये 24 हमारा लसा है। अब 24 में 2 का पूरा भाग जाता है, हाँ 24 में 2 का पूरा भाग जाता है। देखो 24 में हम 2 का भाग लगा के देखते हैं, 2 एकम 2 है ना, ये 0 हो गया और 2 दूनी 4 और आपके सामने ये पूरा भाग चला गया कि नहीं। अब हम 24 में हम 6 का देखते हैं, तो 6 चौक 24, पूरा भाग चला गया है ना। फिर हम 24 में 2 का दिया 6 का दिया 8 का देते हैं, 8 दिया 24, तो ये 24 का भी पूरा भाग चला गया। यानी कि दी गई शर्त को ये 24 क्या है कि परिभाषा को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है, अतः 24 ही दी गई संख्याओं का लसा है। अर्थात यहाँ पर परिभाषा सिद्ध होती है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुतम समापवर्तीय वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यस, है ना। अब फॉर एग्जांपल के लिए आप और एग्जांपल लेके भी आप इस परिभाषा का सत्यापन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, देखें कि भाई दूसरे एग्जाम्पल में ये परिभाषा संतुष्ट होती है या नहीं। दूसरे एग्जाम्पल से 3, 5, 6 का हमें लसा निकालना है, हमें 3, 5, 6 का लसा निकालना है। चलो निकालते हैं। तो 3, 5 और 6 हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 3 नहीं आते हैं, 5 भी नहीं आते हैं, 2 तीय 6। अब 2 के टेबल में 3 और 5 नहीं आते हैं, तो 3 के टेबल से 3 एकम 3, 5 भी नहीं आता, 3 एकम 3। अब 5 के टेबल से हम देंगे इसको 5 एकम 5। इस प्रकार से हमने निष्कर्ष निकला कि लसा बराबर हमारा क्या हुआ, लसा बराबर हमारा हुआ 2, 3 और 5, 2, 3, 5 है ना। अब 2, 3, 5 है ना, अब 2, 3, 5 हमारा लसा है ना। तो 2 का पहाड़ा 5 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 15 दूना 30, 15 दूना 30 है ना। ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया।
पांच तिया 15 और 15 दुना 30। अब हम ये देखते हैं कि भैया ये 30 जो है हमारा 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में से 3 में से 2 गया तो 1, ऊपर से उतारा 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये हमारा भागफल कितना आया 15, यानी कि पूरा पूरा हमारा भाग चला गया है ना। अब 3 से है ना, 3 एकम 3 तो ये 0, अब ये 0 उतारा यहाँ पे और ये 0 यहाँ पे लग गया है ना। तो 3 से भी 30 पूरी तरह विभाजित हो गया। अब हम 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30 है ना, 5 छंग 30 और ये 0 ये 0, तो 6 कितना आया हमारा, 6 आया। इस तरीके से हमने देखा, हमने देखा कि 30 जो है वो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, अतः 30 ही दी गई संख्याओं का लसा है, ठीक है ना। तो लसा को हमने यहाँ पे आपके सामने बताया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा या लघुतम समापवर्तीय वह छोटी से छोटी संख्या होता है या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो 5 ले लिया, 6 ले लिया और हमने मान लो कि 5, 6, 7 ले लिया। चलो अब इसका हमें लसा निकालना, 5, 6, 7 का हमें क्या निकालना है, लसा निकालना है। और परिभाषा को हम क्या है, इसकी परिभाषा को इस पे हम क्या करेंगे, जांच करेंगे कि परिभाषा यहाँ संतुष्ट होती है या नहीं। तो 5, 6, 7 सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से हम देते हैं इसमें, तो 2 से देंगे तो 2 के टेबल में 5 नहीं आते हैं, 2 3 6 7 का 7। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे है ना, तो 3 के पहाड़े में 5 नहीं आते हैं, 3 एकम 3 7 के 7। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और 7 का 7। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे और इस प्रकार से हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हमारे सामने जो लसा आता है वो इस प्रकार से हमारे सामने लसा आता है, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 है ना, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि लसा बराबर हमारा क्या हुआ, 5 सतो 35 5 सतो 35 5 सतो 35, यहाँ आगे 35 और 35 तिया तो 35 दुना 70 और 35 तिया 105 दुना 210, ये 210 हमारा लसा आया। अब हम जांच करें कि भैया ये जो 210 है ये दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए है ना, तो हम देखते हैं पूरी तरह विभाजित होता है या नहीं। तो 210 में हम पहले 5 का लगाते हैं, 5 चौक 20 है ना, तो भैया कितना बचेगा, 5 चौक 20 कितना बचा बताओ, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 में 0 गया, 1 2 में 2 0, ऊपर से उतारा 0, कितनी बार भाग जाएगा बताओ, 2 बार, 5 दुनी 10 दो बार भाग गया, ठीक है ना। अब हम 210 में किसका भाग लगाएंगे, अब हम 210 में किसका लगाते हैं, 6 का, किसका लगाते हैं, 6 का टेबल बोलो कि 21 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 एकम 6 6 दुनी 12 6 3 18 6 चौक 24 तो ज्यादा हो गया, 6 3 18 18, तो भैया इसने किसको दिया, 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ 1 रह गया, 1 में से 1 गया तो 0, ऊपर से उतारा 0, अब कितना, 6 पंजे 30, यानी कि ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 210 में हम किसका देंगे, 7 का भाग लगा के देखते हैं, 7 तिया 21 7 तिया 21, तो अब हम देखते हैं कि भैया 0 आया तो यहाँ 0 लगा दो, भाग नहीं जाता, 0 0 0, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पूरा हमारा भाग चला गया, तो 210 दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो चुका है, अतः सिद्ध होता है कि 210 ही दी गई संख्याओं का लघुतम समापवर्तीय है, ठीक है, यस।